हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे F1 वीजा इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा सवाल। वो ये है कि व्हाई डिड यू चूज दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। वीजा ऑफिसर ये देखना चाहते हैं कि आपने अमेरिका की इतनी सारी यूनिवर्सिटीज में से यही पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट की। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं जिससे वीजा ऑफिसर आपके आंसर से इम्प्रेस हो जाए और F1 वीजा अप्रूव कर दे। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आपको आंसर में क्या इंक्लूड करना है, हम बात करेंगे कि क्या इंक्लूड नहीं करना। शुरू करते हैं रेड फ्लैग से जो आपको अपने आंसर में बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका आंसर आप की पर्सनल लाइफ से एसोसिएटेड होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसी चीज मेंशन करते हैं जो आपसे पर्सनली कनेक्टेड नहीं है, वीजा ऑफिसर फौरन ये बात समझ जाएंगे कि आपने इस जवाब को सिर्फ और सिर्फ रोट मेमोराइज किया है और आप आकर उनके सामने दोहरा रहे हैं। वो हमें बिल्कुल नहीं करना। शुरू करते हैं 3 रेड फ्लैग्स से जो आपको अपने आंसर में इंक्लूड बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डोंट यूज वर्ड चीप और अफोर्डेबल। हम बाज़ औकात ये सोचते हैं कि अगर हम ऑनेस्ट रिप्लाई करेंगे तो वीजा ऑफिसर हमसे इम्प्रेस होंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर ये कहते हैं कि आई चोज दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज इट इज चीप और अफोर्डेबल, तो ये एक बिग रेड फ्लैग है। सबसे पहले तो ये एक प्राइमरी रीजन नहीं है कि ये एक चीप यूनिवर्सिटी है या अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है, इस वजह से आपने इसमें अप्लाई किया। दूसरा, वीजा ऑफिसर के माइंडसेट में ये बात है कि आप अपनी पढ़ाई स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपके पास इनफ सेविंग्स हैं, इनफ फंड्स हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो अगर आप ये जवाब देंगे तो उनके जहन में एक कंफ्यूजन आ जाएगी कि आपने I-20 कैसे लिया, क्या आप वाकई USA जाकर अपनी पढ़ाई अफोर्ड कर सकेंगे, अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग अफोर्ड कर सकेंगे या नहीं। तो इस तरह के पॉइंट्स अपने आंसर में ऐड नहीं करने हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली है तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आप एक ब्राइट स्टूडेंट हैं, आपने एकेडमिक अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, आपकी GPA जबरदस्त थी जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ने आपको स्कॉलरशिप दी। स्कॉलरशिप का मेंशन करना इज अ पॉजिटिव पॉइंट, लेकिन चीप अफोर्डेबल इट्स अ बिग रेड फ्लैग, सो डू नॉट यूज इन योर आंसर। नेक्स्ट, डू नॉट यूज फैक्ट्स। औकात हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स समझते हैं कि अगर हम बड़े बड़े फैक्ट्स इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आंसर में ऐड करेंगे तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा वीजा ऑफिसर पर, जैसे कि ये यूनिवर्सिटी 1983 में फाउंड की गई, ये 50,000 एकर्स पर बनी गई है, इसमें स्टूडेंट टीचर रेशियो 12:1 है। ये सारे पॉइंट्स आपके वीजा आंसर को एक बिग नो रिजेक्शन की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि ये सब वो पॉइंट्स हैं जो वीजा ऑफिसर को पता है कि ये यूनिवर्सिटीज की खास बात है, और अगर नहीं भी पता तो उन्हें ये बात पता है कि आप रोट मेमोराइज करके ये आंसर आए हैं जिसका आपसे पर्सनली कोई कनेक्शन नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो पर्सनली कनेक्टेड होना चाहिए। थर्ड, आंसर वेग नहीं होना चाहिए, बना बनाया, रटा हुआ, जैसे कि दिस यूनिवर्सिटी इज टॉप नॉच यूनिवर्सिटी, हैज बेस्ट फैकल्टीज, प्रोफेसर्स, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड। तरह के जवाब आपके आंसर में नहीं होने चाहिए। एक सेंटेंस अगर आपने इसमें यूज किया है तो ठीक है, लेकिन कोशिश करके वेग रिस्पॉन्सेज जिसमें हमने सिर्फ तारीफ एडजेक्टिव यूज किए हैं नहीं होने चाहिए। चले अब बात करते हैं आपके आंसर में कौन से 3 की पॉइंट्स होने चाहिए। सबसे पहले, पर्सनल रीजन की बेस पर आप अपना आंसर फ्रेम करेंगे। पर्सनल रीजन कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, अलमनाई है वहां, तो जिसके करियर ग्रोथ आप देखकर इंस्पायर हुए हैं और आप चाहते हैं कि आप भी इसी तरह अपने करियर में आगे जाएं, तो फ्रेंड की रिकमेंडेशन, या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी के फेयर में गए, कोई एक्सपो था जिसमें आपने अटेंड की और आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिसर से इंस्पायर हुए, प्रोग्राम लिंक जो आपने बैचलर्स किया है, हाई स्कूल की है, उसका लिंक आपके करंट यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के साथ, जो शो करेगा आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है इस फील्ड में। सेकंड, इस यूनिवर्सिटी की कोई टॉप फीचर्स जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो आपको हेल्प कर सकती है आपके करियर गोल को अचीव करने के लिए, कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट्स, करियर फेयर,
आपके आंसर्स में ये इंक्लूड होना चाहिए जो एक वीजा ऑफिसर को ये बताए कि आपने इस यूनिवर्सिटी को प्रॉपर रिसर्च के साथ फाइनलाइज किया है। थर्ड, आप अलमनाइज की एग्जाम्पल्स शेयर कर सकते हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद आज एक टॉप कंपनी में काम, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने फेसबुक, गूगल, एमेजॉन, टेस्ला जैसी कंपनीज में एक वैल्यू एड की है और आज एक बेस्ट पोजिशंस पर है। अब मैं आपको तीन ऐसे टूल्स बताऊंगी जिससे आप अपने आंसर को और जबरदस्त फ्रेम कर सकते हैं। सबसे पहले US न्यूज वेबसाइट पर जाकर उनकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स, यूनिवर्सिटी के कंपैरिजंस देख सकते हैं। जिस यूनिवर्सिटी को आपने सेलेक्ट किया है वो किस तरह दूसरी यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में बेटर यूनिवर्सिटीज है, कोर्स वाइज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वाइज, इवेंट्स वाइज, जो अब रिसेंट इवेंट्स हैं उन सब की अपडेट्स आपको US न्यूज वेबसाइट से मिल सकती है। सेकेंड मोस्ट, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अपने प्रोग्राम की डिटेल्स, अपने प्रोग्राम के कोर्स आउटलाइंस, सब्जेक्ट्स को अच्छे से गो थ्रू करेंगे क्योंकि वो आपकी हेल्प करेगा लिंक करने के लिए कि किस तरह आप इस कोर्स से अपने करियर को बेटर कर सकते हैं या किस तरह आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड इस कोर्स से अलाइन होकर आपके करियर गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकता है। थर्ड, अलमनाई सेक्शन को आप जरूर अपने वेबसाइट पे रिव्यू करेंगे जहां लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसको आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं और अपने आंसर को एक इम्प्रेसिव आंसर बना सकते हैं। अगर आप ये तीन टूल्स यूज करके अपने आंसर को फ्रेम करते हैं और मेरे बताए हुए की पॉइंट्स को मेंशन करते हैं तो मुझे उम्मीद है आपका आंसर इम्प्रेसिव होगा और होपफुली आपका F1 वीजा अप्रूव हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट जो अपने F1 वीजा इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज लाइक करें, इसी तरह के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ जो F1 वीजा की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।